नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश में इन दिनों कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस एक समस्या को सुलझा नहीं पाती है कि दूसरा संकट सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। कांग्रेस अभी राजस्थान संकट से बाहर भी नहीं आ पाई है कि झारखंड में नई समस्या खड़ी होती दिख रही है। असल में झारखंड में कांग्रेस के 9 विधायक हेमंत सोरेन सरकार से नाराज हो गए और नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि शिकायत करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाने वाले विधायकों ने चुप्पी साध रखी है और विधायकों ने आलाकमान से गुहार लगाई है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती, कांग्रेस के विधायकों के साथ रवैया ठीक नहीं रहता और सरकार में मंत्री का एक पद खाली है जिसे अभी तक भरा नहीं गया है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने सरकार पर दबाव बढ़ाने की मुहिम की कमान संभाल रखी है और उनके नेतृत्व में ही विधायकों ने दिल्ली में हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा पेश किया। यहां विधायक अपने प्रदेश प्रभारी आरपी सिंह से भी नाराज है। मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष गहरा है, क्योंकि यह असंतोष सिर्फ सोरेन सरकार के खिलाफ ही नहीं है बल्कि अपने बड़े नेता के खिलाफ भी है। अब झारखंड मामलों के जानकारों के मुताबिक इसके गहरे अर्थ हैं जो आने वाले दिनों में समझ में आएंगे। कहा जा रहा है कि अगर इन बागी विधायकों की मांग पर विचार नहीं हुआ तो ये दल बदल तक कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और अंदेशा जताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान और महाराष्ट्र में उलझा कर झारखंड में कमल खिलाने की तैयारी में है। अब झारखंड विधानसभा में जो पार्टियों की स्थिति है उसे यह कभी भी बड़े उलटफेर की संभावना से सीधे सीधे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार है और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं और कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 1 विधायक है और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और ऐसे में 81 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 42 है और ऐसे में कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या 9 से आगे बढ़ी तो हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में आ सकती है।